हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग जिंदगी। तो अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये वो वाली जगह जहाँ पर मेरा पहला वीडियो शूट हुआ था, और ये यहाँ पर जो है ना लेवलिंग की जा रही है, रोलर चल रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना रोड बनने जा रहा है। भाई इतना बड़ा, इतना प्यारा लग रहा है व्यू, क्या मैं बताऊँ यार आपका। यहाँ पर आकर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे चल कर देखते हैं कि इस जो रोड की जो मजबूती है वो कैसी है। तो फिर आगे चलेंगे आप लोगों को मोटो व्लॉगिंग करते हुए। मैंने पीछे देखे, रोलर खड़े हुए हैं और कुछ मजदूर भी खड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम है, आप सुनाए। ये बच्चों के साथ हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार आ चुके हैं भाई मलिर एक्सप्रेसवे पर, और ये बच्चे शर्मा रहे। रिजवान भाई क्या हाल है, कहाँ गए थे आप? यार बस ऐसे ही बच्चों को तफरी करवाने गए थे थोड़ा। अच्छा, नदी में? हाँ, बोल रहे थे अबू नदी में लेके चलो हमें। नदी में? हाँ, तो बस ऐसे ही आए थे थोड़ा बच्चों को। ये आपको क्या लगता है कितना अच्छा प्रोजेक्ट है ये? यार देखो, जो गाँव के लोग हैं उनको फायदा नहीं होगा मुझे लग रहा है। प्रोजेक्ट तो अच्छा है। नहीं, रोड बड़ा प्यारा बन रहा है ना? रोड तो अच्छा बन रहा है माशाल्लाह। VIP है ना? गुड गुड, और सब खैर है? और बस अल्लाह का मेहरबानी मेहरबानी। अबे सोयाने कहां जा रहे हो? तुम्हें लाना। तो गाइस, मैंने आप लोगों को अभी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर रोलर चल रहे हैं, रोलर के जो है ना यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, और ये रोड बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है रोलर चलने के बाद। और कितनी बार ये चलेंगे रोलर, उसके बाद जो है ना बहुत सारा अभी काम बाकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तकरीबन हो जाएगा एक साल के अंदर अंदर। तो अभी आगे चलते हैं, और कहाँ तक इस तरह से भराई हो चुकी है वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम आप लोगों को, और ज़रूर दिखाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब लाजमी करें यार। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों को न्यू अपडेट देता हुआ चलूँगा, और पूरे जो है ना जर्नी में मली एक्सप्रेस वे कहाँ तक पहुँचा देहात में, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। और सारी चीज़ें मैं, क्योंकि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, तो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं दिखाता हुआ चलूँगा एवरी डे, या ना तो वीक में 3 वीडियो तो मेरी आएंगी। तो चलते हैं आगे की तरफ, और आप लोगों को आगे के जर्नी मोटो व्लॉगिंग की तरफ दिखाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, तो गाइस यहाँ से आगे की तरफ मूव होते हैं और चलते नीचे उतरते हैं। यहाँ से राइट हैंड पर मुड़ेंगे हम लोग, तो नीचे से उतर कर फिर दिखाते कि आगे कहाँ तक पहुँचा है, कि रास्ता हमें मिलता भी है या नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से हम नीचे उतर गए, और नीचे उतरने के बाद आगे की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस ये न्यू अपडेट है, जो कि ये काम हो रहा है, तो आगे चल कर बताते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बड़ा लाजवाब है, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। आई थिंक मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, एक साल से ऊपर ही लगेगा तकरीबन। यहाँ पर इनके जो मली एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, इसके आसपास काफ़ी देहात लगते हैं, गोट वाला माहौल है, विलेजेस हैं सर, ठीक है ना। तो इन विलेजेस में जो लोग रहते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है इस मली एक्सप्रेस वे से, ये तो आप खुद ही कमेंट्स में बताएं कि इनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना आमदो रफ्त यहाँ रुकने वाली तो नहीं है, छोटे रोड हो चलो फिर बंदा रुक जाता है, कोई ख़रीदारी कर ले वगैरह, क्योंकि बड़े रोड है। हाँ, इनके जो होते हैं लिंक हो सकते हैं, मेमन गोल्ड की जो बड़ी मार्केट है उनके साथ ये रोड यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह फिर ये रजाकाबाद की तरफ जा रहा रास्ता, उससे कनेक्ट हो जाएगा,
तो हो सकता है जिनको यहाँ पर अगर इस तरफ मुड़ना हो तो वो मुड़ सकते हैं। यहाँ पर यार मैंने एक और चीज नोट की, ये क्या है भाई, ये क्या है, क्रेश का बड़ा प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, क्या ये भी किसी हवाले से लगाया गया है कि नहीं, ये कोई अलग सा प्रोजेक्ट है भाई, ये कोई अलग प्लांट है कोई? हाँ ये अलग प्लांट ही लग रहा है, ये भाई बड़ा प्लांट लग रहा है क्रश वगैरह का यहाँ पर। तो डंपर भी यहाँ खड़े हुए हैं, क्या पता ये मलिर एक्सप्रेसवे के लिए यूज़ किया जा रहा हो, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन प्लांट तो है भाई, ये कोई प्राइवेट होगा कोई। काफी बड़ा प्लांट है भाई, चलते हैं थोड़ा आगे को और देखते हैं कहाँ तक कहानी पहुंची है। गाइस मेरी वॉइस में कुछ फर्क महसूस कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर खड्डे भी हैं ना, रोड इतना वो स्मूथ नहीं है, मतलब कच्चा है, तो कच्चे में चलने के बाद ज़ाहिर है वॉइस भी डगमगा जाती है। तो यहाँ देखें यार बड़े प्लांट लगे हुए हैं, शावल वगैरह खड़े हुए, डंपर वगैरह सब खड़े हुए यहाँ पर, तो ये काम हो रहा है मलिर एक्सप्रेसवे का। तो कहाँ तक पहुँचे यार वो देखें, मेरे ख्याल में अंडर पास बन रहा है, आगे आगे चल कर देखते हैं ये क्या बन रहा है भाई, अंडर पास है क्या, ब्रिज वगैरह बन रहा है यहाँ पर, तो आगे चल कर देखते हैं भाई। प्लांट तो लगे हुए हैं भाई, इन्हीं के हवाले से लगे, वो देखो भाई इमरान भाई, वो भी इन्हीं के हवाले से लगा हुआ प्लांट मेरे ख्याल में, है ना। ये देखो भाई ये काम हो रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है, ब्रिज बन रहे हैं ना, हाँ छोटी छोटी सी ब्रिज बन रही है यहाँ पर, पानी का जो है ना दाखला होगा, यहाँ से उस तरफ को निकलेगा पानी, ये पानी मेरे ख्याल में इस ये नदी का पानी है, यहाँ से इंटर होगा उस तरफ को जाएगा, ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये जो एरिया है इसको नुकसान ना हो, पानी इस तरफ चला जाए, बड़ी जो नदी है उसमें जाकर ये पानी टच हो जाए। मगर इन लोगों ने सुरंग बड़ी छोटी बनाई है तो उस पर मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि वो पानी का दबाव काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा होता है यहाँ पर, पानी बजरी मट्टी वाला होता है, बहुत भारी पानी होता है, जो कि उसके लिए सुरंग भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये काम हो रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है यहाँ पर रोड पे। और ये मेमन गोट से थोड़ा आगे को निकल आए हम लोग, दसानु चनु, दसना चनु या दसानु चनु बोलते हैं, तो उस तरफ ये रास्ता जा रहा है, क्या ही बात है यार, क्या ही बात है, रोड काफ़ी हद तक काम हो गया है लेकिन अभी काफ़ी रहता है। दूसरी बात, आप लोग सोचोगे यार मट्टी ये बजरी आ कहाँ से रही है, ये तो ये भाई इस नदी से उठाई जा रही है, ये जो नदी है इससे मट्टी बजरी जो भी है पत्थर वत्थर सारे यहीं से उठाकर इधर लगाए जा रहे हैं। एक तो ये बड़े काम की चीज़ हो गई है, जो नदी है मलिर नदी, ये बड़े काम का आ गया इसमें, क्योंकि यहीं से उठाकर यहीं पर डाल रहे हैं, तो इसमें टाइम की बचत हो रही है और ये काम बहुत जल्दी से तेज़ी से मुकम्मल होने वाला है। इस तरह से अगर कहीं और से ले आते तो उसमें थोड़ा मसला हो जाता। ये देखें भाई मशीनरी काफ़ी बड़ी आ रही है, लेवलिंग किया जा रहा है रोड को, यहाँ वर्कर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ठेकेदार भी हैं, सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये देखें वर्कर ये अपने हिसाब से अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये क्या चूना, अच्छा क्या ही बात है भाई, ये भी प्लांट लगाया जा रहा है, ये कोई प्लांट है, हाँ यार ये क्रश क्रश का है ना, क्रेश का प्लांट है, लेकिन इसके क्रेश का प्लांट इसी काम में आने वाला है, ये जो रोड बन रहा है इसी काम के लिए ये प्लांट लगाया गया मेरे ख्याल में। हाँ इमरान भाई कहाँ चले, आगे चले क्या, रास्ता हो जाएगा आगे भाई, ये आगे जा रहे हैं, अब हमें नहीं पता रास्ता, ऐसा ना हमारी बाइक जो है यहाँ फंस जाए बीच में, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डंपर वम्पर बुलाना पड़ेगा हमें। ये देखे भाई नाप तोल हो रहा है, ये इन लोगों ने पत्थर कुछ यूं लगा दिए निशान के तौर पर,
भाई इमरान ये तो हो गया गीला गीला। ओए 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 आगे जाना है, हमें जाना है बाबा। चल भाई निकल ले बाइक। भाई बड़ी शेरी शेरनी बाइक है हमारी, ये देखो निकल आई भाई। हालांकि मिट्टी काफ़ी यहाँ पर गीली है लेकिन हमारा शेर निकल गया। ले लो ये एंड। वाओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हाँ सूखे पे आ गए, क्या ही बात है, इतना मज़ा आ रहा है यार हमें राइड करते हुए। हालांकि कच्चा है लेकिन हम आप लोगों को दिखा रहे गाइस, तो आप लोग अभी तो सब्सक्राइब कर लो। ये क्या बात है, ये देखो मट्टी उतारी जा रही है, बजरी कह लो मट्टी कह लो जो भी कह लो यार आप लोगों की मर्जी है। देखो बड़ा बड़े शावल बड़े बड़े डंपर बड़े बड़े यहाँ पर घूम रहे भाई, और हम भी घूम रहे बीचों बीच यहाँ पर कच्चे में घूम रहे हैं और इंजॉय भी हो रहा है, आप लोगों को इंजॉय भी करवा रहे दिखा भी रहे हैं। हमारी वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आपको आगे चलकर, अभी दिखाते थोड़ा आगे क्या है। ओके तो दोस्तों ये काम दर्शन चरणों तक ये इसी तरह का लेवलिंग किया जा रहा है, वहाँ तक हो चुका है, हैं इस तरफ दर्शन चरणों का रास्ता जा रहा है। और ये देखें यहाँ पहुँच गए, ये डैम बना हुआ है सामने, दर्शनों का डैम है। और ये यहाँ बड़ा पाइप पानी का पाइप है, तो ये पानी का पाइप आई डोंट नो किस कौन सा वाला है, ये सीधा जा रहा दर्शन चन्नू, और इसके ऊपर शायद ब्रिज बन जाए। यहाँ तरफ यार काम भी हो रहा है, घर बन रहे छोटे छोटे से, तो काफ़ी काम यहाँ हो रहा है। और ये देखें यहाँ तक तो पहुँच के गाइस, अब आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि दर्शन चन्नों से फिर आगे को कितना काम हो चुका है, वो अगली वीडियो में आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबको शेयर करें, और अगर अच्छी चीज़ लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।